गुड मॉर्निंग बच्चों। सिक्स पॉइंट वन आपका कंप्लीट हो गया है। सिक्स पॉइंट वन में आपको समीकरण हल करने थे और वो आपने समीकरण हल करना सीख लिया है। सिक्स पॉइंट टू में आप लोगों को जो समीकरण हल करने हैं उसके लिए उसके पहले कुछ आपको आना जरूरी है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद आप सवाल हल करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, एक का घन कितना होता है? एक होता है। दो का घन कितना होता है? आठ होता है। तीन का घन कितना होता है? 27 होता है। चार का घन कितना होता है? 64 होता है। पांच का घन कितना होता है? 125। छह का घन कितना होता है? 216। सात का घन कितना होता है? 343। आठ का घन कितना होता है? 512। सात का घन कितना होता है? 700। ये नौ नंबर का आप नौ संख्याओं को का आ घन आप लोगों को आना चाहिए, और इसके लिए मैंने ये उत्तर भी दिया है। आप लिख कर देने के बाद यही है कि आप इसको सही ढंग से याद कर लें। आप पहले इसको लिख, लिख लिया आप लोगों ने। और एक बात सुन, एक का घन एक, दो का घन आठ, तीन का घन 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, छह का घन 216, सात का घन 343, आठ का घन 512, सात का घन 729। अब जब घनमूल पूछा जाएगा, सब ध्यान रखो, घनमूल तो उस समय उल्टा बताना। एक का घनमूल एक, आठ का घनमूल दो, 27 का घनमूल तीन, 64 का घनमूल चार, 125 का घनमूल पांच, 216 का घनमूल छह, 343 का घनमूल सात, आठ का घनमूल 512 का घनमूल आठ, 729 का घनमूल सात। इस तरह से आपको घनमूल घन जब पूछा जाएगा, एक का घनमूल एक, दो का घन आठ, और घनमूल पूछा गया, और उल्टा चलना है। बड़े से घनमूल मतलब बड़े से छोटा, ये आप अगर ये शब्द ध्यान रखोगे ना, बड़े से छोटा, तो आपको घनमूल याद रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, दूसरा प्रश्न ये आएगा कि मान लो परीक्षा में बैठा हूं और मुझे उधर सात का घन जो है न घन याद आ रहा है न घनमूल याद आ रहा है, तो मैं उस समय क्या करूं? मान लो सात का घन